व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपना टच जहां पर वर्क नहीं करता, आपके परफॉर्मेंस जिस एरिया पे वर्क नहीं करता, उधर आप कैसे वर्क करा सकते हैं। और ये बहुत इजीएस्ट मेथड है और बहुत चीप मेथड है, चीप के फ्री मेथड है। तो अपन जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम ये फोन देख सकते हो, यहाँ पर इस एरिया में मेरा टच काम नहीं करता। मैं तुम्हें कई बार करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आप मेरा टच काम नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। एक इग्निटर होता है जो लाइटर के अंदर आता है ना, उस लाइटर को तोड़ के आप इग्निटर निकाल सकते हो। नहीं तो जो अपना नॉर्मल लाइटर आता है ना किचन में जो यूज़ करते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसे रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि इतना ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो पाता और इतना मतलब एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। तो आप इग्निटर को यूज़ करो बस। अगर नहीं है तो 10 रुपये का लाइटर खरीद लाना, उसे तोड़ देना, क्या जा रहा है यार। तो ठीक है, अब तुम आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपका डेड जोन है, जहाँ पर आपका टच डेड हो रखा है, वहाँ पर आपको इग्निटर ले जाना है और उधर टच करते हो, इस तरह से टच करते हो, या अगर उसको एक दो बार या 3-4 बार टैप कर देना है, टक 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 टैप कर देना है। ठीक है, आप चाहो तो सिक्योरिटी की वजह से एक टेम्पर लगा के रख लो, क्योंकि किसी किसी के फ़ोन शॉक प्रूफ नहीं होते। और सेकंड ऑफ ऑल, आप इसको ज़रूरी नहीं है टच करो, आप 2-3 mm की डिस्टेंस छोड़ सकते हो। ठीक है, हवा में कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशन ही अंदर तक पहुंचा देंगी, उस टच का पता नहीं एनेबल कर देंगी, उस फोन की ताकतें जगा देंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इजीली मेरा टच काम करने लग गया। आप इतना डिस्टेंस ले सकते हो आराम से और इस तरह से लगा सकते हो इग्निटर से, इस तरह से कर सकते हो। और मैं आपको बट एक चीज़ बता दूँ, पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये आपकी टेम्प्रेरी फिक्स है। बट कुछ ना से कुछ तो सही है यार, 10 रुपये में टेम्प्रेरी फिक्स में आपको मिल रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी फ़ोन की, मेरे जो सैमसंग M51 है, इसका अगर मैं डिस्प्ले डलाने जाऊंगा तो 7-8 हज़ार का डलेगा। AMOLED डिस्प्ले है तो महंगा डलता है। तो 10 रुपये में जब फिक्स मिल रहा है, जब भी ख़राब हो तब जैसे स्क्रीन जाए तब वापस ये मेथड अप्लाई कर लो। और इससे कोई साइड इफेक्ट मैंने तो नहीं देखे अब तक, और है भी नहीं जहाँ तक है। तो ठीक है, आप इसको करते रहना यूज़ और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए और ये आपकी ट्रिक वर्क करे तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मेरे को बता देना कि ये ट्रिक वर्क करी है। ठीक है।